मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बताएंगे संज्ञा के अन्य भेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के बारे में बताया जा चुका है। तो जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो तुम ऐसा काम कि सारा जहां सलाम करे। आइए संज्ञा के अन्य भेद के बारे में चर्चा करते हैं। यह है अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद मानते हैं जो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात वह नाम जो समूह का बोध कराए, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वह शब्द जो किसी समूह की जानकारी दे, किसी ग्रुप की जानकारी दे, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे परिवार, परिवार का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में एक फैमिली का जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, जो एक चित्र बन रहा है, वह एक फैमिली में एक परिवार होता है। पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, एक समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। तो जातिवाचक का छोटा सा पार्ट है जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा भी एक समूह का बोध करा रहा है, क्लास। सेना भी एक समूह का बोध करा रहा है, समूह भी एक समूह का बोध करा रहा है। गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, यह भी एक समूह का बोध करा रहा है। संघ में कई लोग होते हैं, कई लोगों का समूह होता है। भीड़ में भी कई लोगों का समूह होता है, झुंड में भी, गिरोह में भी। तो जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो जाए, उस समझ जाइए कि वह समूहवाचक संज्ञा है। अगर समूहवाचक संज्ञा ऑप्शन में न हो तो वहां जातिवाचक आ जाएगा। अगर समूहवाचक है तो जातिवाचक को छोड़कर समूहवाचक का बोध करा रहा है, इसलिए वह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा होगी। आइए नेक्स्ट आपका है पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात वह नाम जो किसी पदार्थ का बोध कराए। वह पदार्थ द्रव्य में हो सकता है, धातु का बोध कराए, ठीक है। ऐसे शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, ठीक है, लोहा एक धातु है, सोना एक धातु है, दूध एक द्रव्य है, लकड़ी एक धातु है, चांदी, घी, तेल, पीतल, मिट्टी, ये चावल, ये सब क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ और समूह में अंतर होता है। अगर आपको कहीं पदार्थ में दिक्कत आए तो समूह को जान रहे हैं तो पदार्थ को छांटना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। पदार्थवाचक यानी वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, अर्थात वह शब्द जो जाति का बोध कराए, अब उसमें कुछ चीजें मिलाकर, कुछ प्रत्यय मिलाकर हम भाव पैदा करते हैं, वही शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे मनुष्य का नाम लेने के बाद मनुष्य की पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, मनुष्य का नाम लेने से मनुष्य की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए मनुष्य जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मनुष्य को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम इसमें ता जोड़ देंगे। ता प्रत्यय है, प्रत्यय उपसर्ग आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा मनुष्यता। अर्थात इस धरती पर बहुत सारे मनुष्य हैं,
लेकिन मनुष्यता का भाव बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है, इसलिए मनुष्यता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि मनुष्य, जो मनुष्य मनुष्य की तकलीफ को समझे, अन्य जानवरों की तकलीफ को समझे, उसे कहते हैं मनुष्यता का भाव। ये भाव है। अब मित्र क्या है? मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र का नाम लेने से बहुत सारे मित्रों का बोध हो जाता है, लेकिन मित्र तो सभी होते हैं, लेकिन क्या सभी मित्रता निभा पाते हैं? मित्रता के लिए एक असीमित सीमाएं होती हैं। वो मित्र मित्र के लिए कुछ भी कर दे कम है, वहाँ पर कहते हैं ये मेरा असली मित्र है, इसमें मित्रता का भाव है, ये हमारी खुल कर सहयोग करता है, तो मित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब होता है जो भाव पैदा करे, किसी क्वालिटी का भाव पैदा करे। शिक्षक, शिक्षक की पूरी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन शिक्षा एक भाव है, शिक्षा दी जाती है किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक जो जातिवाचक है, इसका भाववाचक शिक्षा हो जाएगा। नौकर, इस धरती पर जितने भी नौकर हैं, सभी नौकरों की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए नौकर जो शब्द है जातिवाचक होगा, लेकिन नौकर में बड़ी की मात्रा लग जाए तो यह नौकरी एक भाव पैदा करता है कि हमें नौकरी मिल गई। अब दिया है बच्चा। बच्चा क्या है? बच्चा का नाम लेने से बच्चों की पूरी जाति का बोध हो गया, लेकिन इसमें भाव पैदा करने के लिए इसको हम बचपन बनाएंगे, ठीक है? तो बचपन का भाव पैदा होगा। लोग अपने बचपन को याद रखते हैं। सभ्य, सभ्य का मतलब जो ईमानदार हो, सभ्यता हो, कल्चर पॉजिटिव कल्चर हो, ठीक है? तो सभ्य, सभ्य लोगों की एक जाति होती है। अगर किसी के अंदर कूट कूट कर वह सभ्यता हो, तो उसे कहते हैं इसकी सभ्यता बहुत अच्छी है, ठीक है? अब दिया हिंदू। हिंदू का नाम लेने से हिंदू की पूरी जाति का बोध हो जा रहा है, लेकिन भाव पैदा करने के लिए हिंदुत्व, मेरे अंदर हिंदुत्व कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है? फिर दिया है ठग। ठग एक जातिवाचक संज्ञा है। ठग का नाम लेने से पूरे ठग की जाति का बोध हो गया, लेकिन अगर कोई किसी ठग के माध्यम से ठगी का शिकार हो जाए, वहां ठगी जो है एक भाव पैदा करता है। भाई, बहुत सारे भाई, लेकिन भाईचारा, भाई की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए भाईचारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। साधु, साधुओं की जाति का बोध हो रहा है, लेकिन साधु का क्वालिटी भर कूट कूट कर भरा हो, उसे हम कहेंगे साधुता इसके अंदर है, अर्थात साधुता भाववाचक बन जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है शत्रु। शत्रु का नाम लेने से ही दुनिया में जितने भी किसी के शत्रु हैं, तो शत्रु की जाति का बोध हो रहा है, लेकिन अगर किसी को देखकर आपके अंदर वह शत्रु की भावना प्रबल हो जाए, तो वहां पर शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा पैदा होता है, ठीक है? दानव, जो मानव के विपरीत काम करे, उसे दानव कहते हैं। तो दानव का नाम लेने से दानव की जाति का बोध हुआ, लेकिन जिसके अंदर दानवता कूट कूट कर भरा हो, वह दानवता भाववाचक हो जाएगा। प्रभु, प्रभु माने ईश्वर। अब प्रभुता जिसमें ईश्वर की क्वालिटी हो, कहते हैं सबके अंदर उस परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में है, लेकिन वो आत्मा बहुत कम लोग परमात्मा में तब्दील कर पाते हैं। दास, दास का मतलब होता है नौकर, तो नौकर दास की जाति का बोध हुआ, लेकिन जो दासता स्वीकार कर ले, अर्थात किसी की सेवा करने का एक कसम खा ले, तो उसे कहते हैं दासता स्वीकार कर लिया है। पशु, जिसके अंदर पशु की क्वालिटी है, तो पशु की जाति का बोध हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित कर रहा है, तो पशु का भाव। बूढ़ा, बहुत सारे बूढ़े, लेकिन बुढ़ापा एक भाव है। युवक, बहुत सारे युवक की जात, लेकिन यौवन, यौवन मतलब जवानी, जवानी का भाव। चोर, जातिवाचक, चोरी हो गई, वो एक भाव पैदा कर रहा है। भक्त, भक्तों की जात, लेकिन भक्ति का भाव, इसलिए भक्ति भाववाचक।
राष्ट्र राष्ट्र बहुत सारे राष्ट्र इस विश्व में है, ठीक है। तो राष्ट्र एक जातिवाचक है, लेकिन राष्ट्रीयता इंडियन भाववाचक हो जाएगा। तो आज हमने जाना जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, कल हम जानेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभी इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला के अंतर्गत संज्ञा है, संज्ञा के अन्य भेद में जो मैं बताया, उसके बाद में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया। अभी इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में बहुत कुछ बाकी है, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाना बाकी है। तो अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।